नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएड टाइम्स में। हम आपके साथ पलक शर्मा, आई नजर आते ही खबर क्यों। जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक अंक पत्र का हुआ वितरण, मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक अंक पत्र वितरण किया गया। इसके साथ विद्यालय के मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद गुप्ता ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ समाज में जीवन जीने का और सामाजिक दृष्टिकोण से खुद को समाज में अच्छा व्यवहार करने का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी है। जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दिया जाता है, जिससे बच्चों का भविष्य निखर रहा है। डॉक्टर निकिता आनंद ने सभी मेधावियों को बधाई देते हुए कहा कि आप कल के भविष्य हैं, आप अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। प्रबंधक संतोष सिंह ने परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विद्यालय में सर्वोच्च अंक पाने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी साल भर की पूरी फीस माफ विद्यालय की तरफ से माफ कर दिया जाता है तथा उन्हें यूनिफॉर्म देकर सम्मानित किया जाता है तथा विभिन्न कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों की आधी फीस माफ रहती है। परीक्षा फल में कक्षा प्लेवे की यशस्वी उपाध्याय प्रथम स्थान, कक्षा बेबी के अभिषेक कसौधन एवं शिवानी प्रथम स्थान, कक्षा एलकेजी के मोहम्मद अजहान प्रथम स्थान, कक्षा यूकेजी के फातिमा मोहम्मद सलीम प्रथम स्थान, कक्षा प्रथम के शेफा खातून एवं अहमद यादव प्रथम स्थान, कक्षा द्वितीय के सौरभ कुमार एवं मीनाक्षी शर्मा ने प्रथम स्थान, कक्षा तृतीय के आदित्य चौधरी एवं खुशबू चौधरी ने प्रथम स्थान, कक्षा नौवीं के अभिनव वर्मा एवं ग्यारहवीं के अंशिका सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर राकेश, राजेश, निर्मल, शैलेंद्र, सिद्धांशु, विजय गुप्ता, प्रिंस, गिरीश चंद्र, निगहत, निधि, रुबीना, वंदना, रीता, नम्र, अनन्या, मीनाक्षी, हीना, रागनी, अनीता समेत आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। स्कूल बस्ती का एक जाना माना नाम है और इस विद्यालय में अनेकों अनेक कार्यक्रम कराए जाते हैं, लेकिन जो हमारे एक वार्षिक परीक्षा परिणाम डिस्ट्रीब्यूशन का जो दिन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज उसी को हम लोगों ने भव्य तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों के साथ आज का ये वार्षिक परीक्षा फल जो वितरण कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, और इस कार्यक्रम में बच्चों को, हर कक्षाओं के बच्चों को पुरस्कार दिया गया। साथ ही जो बच्चे कक्षाओं में टॉपर थे उनकी फीस में उनका फीस भी माफ़ किया गया है, और जो बच्चे स्कूल टॉप किए हैं उनके पूरे साल की फीस माफ़ की गई है, और साथ ही साथ उनको स्कूल की तरफ से दो यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, और इन बच्चों को और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सके इसलिए गार्जियंस के सुझाव भी आज हम लोगों ने लिए हैं। नए सत्र के प्रवेश को लेकर के क्या तैयारियां हैं? नए सत्र के प्रवेश को लेकर के हमारा तो नया सत्र, हम लोग प्रवेश बसंत पंचमी से ही शुरू कर देते हैं हर वर्ष। इस वर्ष भी प्रवेश चल रहा है और डेली नए बच्चों का प्रवेश हो रहा है। इस सत्र में हम लोग बच्चों को खेल कूद के साथ ही साथ, इस बार जो बच्चों की एक डिमांड है कि उनको थोड़ा कॉम्पिटिशन्स के लिए और बाकी और जो छोटे मोटे प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए इनको एक अलग से तैयारी नहीं मिल पाती है। हम लोग सिर्फ शिक्षा में ही उलझ के रह जाते थे, लेकिन इस वर्ष से हम लोगों ने इन बच्चों को क्लास में ही उन प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अलग से क्वेश्चंस का एक सिलेबस बनाया है। उस सिलेबस के अंतर्गत ही हम उनको पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ संध्या शाम के टाइम पर हम इन बच्चों को नीट, जेई और क्लैट की तैयारी के लिए अलग से क्लासेस चला रहे हैं, जिसके लिए कि बाहर से एक्सपर्ट टीचर्स भी बुलाए गए हैं। जो अभिभावक प्रवेश अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जो भी अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना सा है कि आप जीवीएम पढ़ाई के क्षेत्र में जाना माना नाम है और हम बेहतर से बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे शिक्षक हैं, सारे शिक्षक हमारे यहाँ बीएड हैं, और इन बच्चों जो बच्चों को एक पढ़ाई के साथ ही साथ एक संस्कार, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शिक्षा उनके दिमाग में, शिक्षा को इस्तेमाल कैसे करें, जिसके जो कि सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान से आता है। हम अपने टीचर्स को एक अलग से ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर एक व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है, और बच्चे हमारे हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, वहाँ पर जाते हैं और अपना झंडा गाड़ करके ही आते हैं। इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में बच्चे हिंदी से दूर हो रहे हैं, इस पे आप क्या? नहीं, ये जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल पूरे बस्ती में एकमात्र ऐसा विद्यालय है अभी जो मुझे लगता है कि जहाँ पर हम चार भाषाएं सिखाते हैं। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, हालांकि इंग्लिश और हिंदी तो हमारे यहाँ कंपलसरी है हर क्लास में, और संस्कृत और उर्दू भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।
उर्दू की जो शिक्षा है वो यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, और आपको मैं बताऊँ जो संस्कृत और उर्दू है इनके शब्दों को अनुवाद करना और साथ ही लिखना और बोलना भी हम इनको अतिरिक्त रूप से सिखाते हैं। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए बीएन टाइम्स।